हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। होम एकेडमी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम से जो है जुड़े रहें। इनके लिंक जो है वो नीचे कमेंट या डिस्क्रिप्शन में दिए होंगे। फंडामेंटल राइट्स पे हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे थे और लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा हुआ था जिसका कुछ स्टूडेंट्स ने जो है नीचे कमेंट दे के जो है वो आंसर दिया हुआ था। क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर 17 था, जो कि रेट से रिलेटेड था और इसका सही आंसर जो था स्टूडेंट्स ने ठीक दिया था, तो वो आंसर ऑप्शन नंबर सी था। स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो हम क्वेश्चन नंबर 18 से। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अगर हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स के कॉन्टेक्स्ट से, तो दिए गए ऑप्शन में से हमें यह देखना है कि कौन सी जो है वो स्टेटमेंट या जो भी इनसे रिलेटेड दिया गया है ये करेक्ट है। फंडामेंटल राइट्स ऑप्शन ए में दिया है लिमिटेड गवर्नमेंट, ऐसी बात नहीं होगी। डेमोक्रेसी, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द रेजिडेंट, तो हम देखें या फंडामेंटल राइट्स में तो यहाँ पर जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है फॉर ऑल द रेजिडेंट्स, क्योंकि हम राइट टू इक्वालिटी पढ़ते हैं अंडर द आर्टिकल 14 से 18 तक। तो हम बात करेंगे किसकी, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द रेजिडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, उसका सही आंसर आप देने की कोशिश करेंगे। राइट टू द फ्री एजुकेशन हैज बीन मेड अ फंडामेंटल राइट बाय द सुप्रीम कोर्ट। राइट टू एजुकेशन जो है उसे फंडामेंटल राइट जो है वो बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट ने। इज इम्पॉर्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग राइट, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि फंडामेंटल राइट जो है ये हमारे आर्टिकल 21 पार्ट ए में जो है ये 86 अमेंडमेंट एक्ट के तहत 2002 में जो है वो ऐड कर दिया गया है, राइट टू फ्री एंड द कंपलसरी एजुकेशन। ठीक है, अगर ये कुछ क्वेश्चन आ जाता है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है वो किस आर्टिकल में आती है, तो वो आर्टिकल 21 ए है, याद रखेंगे। इसमें राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है और ये अमेंडमेंट कौन सी है, 86 अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2002 में हुई है। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है, ये किस राइट के अंदर आएगा। पहला ऑप्शन है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। दूसरा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है और तीसरा जो है वो राइट टू लाइफ, और नीचे एक और ऑप्शन दिया गया होगा। तो अगर हम देखेंगे ये तो राइट टू लाइफ में ही होगा, क्योंकि आप जानते हैं जो आर्टिकल 21 है वो क्या कहता है, राइट टू लिव एंड द पर्सनल लाइबिलिटी और राइट टू प्राइवेसी की बात करता है। और ये आर्टिकल जो 20 और 21 होते हैं ये सस्पेंड भी नहीं होते हैं, तो इसी में एक अमेंडमेंट की गई थी जो कि आर्टिकल 21 ए बना है, जो कि ऐड की गया है 86 अमेंडमेंट एक्ट के तहत, जिसमें राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन था। तो आप याद रखेंगे राइट टू लाइफ में ये आएगा, और मैंने आर्टिकल बता दिए और पहले भी मैंने थ्योरी में सारी चीजें पढ़ाई भी है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो सी ही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स डील्स विद द प्रोविजन रिलेटेड टू द राइट टू इक्वालिटी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ फंडामेंटल राइट, तो वो कौन सा ग्रुप है फंडामेंटल राइट्स का जो कि डील करता है विद द प्रोविजंस रिलेटेड टू द राइट टू इक्वालिटी। फंडामेंटल राइट्स जो है वो पार्ट थर्ड में डिस्कस किए गए हैं, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक होते हैं। आर्टिकल जो है 12 से लेके 35 तक है, और अगर हम इसकी बात करते हैं के राइट टू इक्वालिटी किस में डिस्कस किया गया है, तो राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक जो होगा वो राइट टू इक्वालिटी है। अच्छा, आर्टिकल 15 क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, कलर, जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ, कि किसी भी पर्सन के साथ किसी भी किस्म की कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी उसके रिलीजन के बेसिस पे, उसकी कास्ट की बेसिस पे, उसके कलर की बेसिस पे, उसकी जेंडर की बेसिस पे या प्लेस ऑफ बर्थ जो है उसकी बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। फिर आर्टिकल 16 इसमें आता है इक्वालिटी में, जिसमें बात की गई थी इक्वल अपॉर्चुनिटी की इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, कि कोई भी जो है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उसमें हर किसी के लिए जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। फिर आर्टिकल 17 भी इसी में आएगा, जिसमें एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात की गई है,
छुआछूत, ठीक है, तो ये इसकी बात की गई है। तो ये आर्टिकल 18 जो है, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स की बात की गई है। तो याद रख लेंगे, ये हमारे पास जो है आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक जो है इक्वेलिटी की बात की गई है। चलिए अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे। अगले क्वेश्चन में जो है क्या पूछा गया है, विच आर द फ्लोइंग फंडामेंटल राइट्स इज अवेलेबल टू द इंडियन सिटीजन बट नॉट टू द एलियंस। तो वो कौन से फंडामेंटल राइट्स है जो अवेलेबल है इंडियन सिटीजन्स को, ठीक है, इंडियन सिटीजन्स को तो है वो अवेलेबल है, बट जो फॉरनर्स एलियंस है उन्हें अवेलेबल नहीं है। तो ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको पहले पढ़ाया भी है, थ्योरी की वीडियो अगर आप देखेंगे ऐसी बातें मैंने आपको उसमें बताई है कि कौन सा जो है वो फॉरनर्स के लिए जो है वो राइट्स है और कौन सा जो है वो इंडियंस के लिए है, इंडियन सिटीजन्स के लिए है। तो यहाँ पर आता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच जो है ये वो फंडामेंटल राइट है जो इंडियन सिटीजन्स को जो है वो अवेलेबल है। क्या है? इंडियन सिटीजन्स को अवेलेबल है। और अगर मैं बात करता हूँ जो फंडामेंटल राइट जो फॉरनर्स के लिए है उनमें आर्टिकल 14 आता है, आर्टिकल 20 आता है, 21 आता है, 21A आता है, 22 आता है, 23, 24, 26, 27 और 28 आता है। तो ये आते हैं, 29 नहीं आता, 20, ये 30 नहीं आता, ठीक है। तो ये हम आपको याद रखनी चाहिए कि कौन कौन से जो है वो फॉरनर्स के लिए है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगले क्वेश्चन में देखते हैं किसके बारे में बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर 23 है, यहाँ पर छोटे छोटे क्वेश्चन है ये। आर्टिकल 19 से लेकर 22 की अगर हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये किससे डील करता है? तो आर्टिकल 19 से लेकर जो 22 तक अगर हम बात करेंगे तो राइट टू फ्रीडम से जो है वो डील करता है, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही जो है इन आर्टिकल्स के बारे में बता दिया है। तो याद रखेंगे आर्टिकल 19 और 22 जो है ये किससे डील करता है? फ्रीडम से डील करता है, राइट टू फ्रीडम। अच्छा, किस किस्म की राइट है? जैसे कि आर्टिकल 19 में बात की गई है 6 फ्रीडम्स के बारे में, 6 फ्रीडम्स जो थी उनके बारे में बात की गई है। आर्टिकल 20 कहता है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन टू ऑफेंस। आर्टिकल 20 का पार्ट वन जो है वो कहता है राइट अगेंस्ट एक्सपोज्ड फैक्टोला, पर यहीं पर इसका पार्ट टू जो होगा राइट अगेंस्ट डबल जियोपेरिटी के बारे में बात करेगा, एंड 20 का जो है पार्ट थर्ड जो होगा राइट अगेंस्ट सेल्फ इनक्रीमिनेशन की बात करेगा, ठीक है। तो ये हम आपको याद रखना होगा। अच्छा, आर्टिकल 22 जो है इसके बारे में भी मैं बता दूं, ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट जो होगा एक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ठीक है। तो आप किसी को भी ऐसे अरेस्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, उसको आपको कोर्ट में जो है वो पेश करना होता है, ये जो है वो बेसिक तो है ला। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, 23 की तरफ। विच ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल्स कंटेन द राइट टू द रिलीजियस फ्रीडम। तो वो कौन सा आर्टिकल है जो किससे डील करेगा? राइट टू द फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो आर्टिकल जो है 25 से लेकर 28 तक होते हैं जो किससे डील करते हैं? फ्रीडम ऑफ रिलीजन से डील करते हैं। ये मैंने आपको कल की वीडियो में भी पढ़ाया था, कल के लेसन में अच्छे से डिस्कस किए थे सारे आर्टिकल। आज थोड़ा और बता देते हैं, आर्टिकल 25 जो होगा फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन के बारे में बात करेगा। आर्टिकल 26 जो है राइट टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर, कि अपनी कम्युनिटी जो भी होगी वो अपने रिलीजियस अफेयर्स को खुद जो है वो मैनेज करेगी। आर्टिकल 27 जो होता है वो कहता है फ्रीडम ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रैक्टिस ऑफ एनी रिलीजन, कि कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा कोई भी रिलीजन की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। आर्टिकल 28 क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ अटेंडेंस ऑफ रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, वो के कोई भी रिलीजियस जो है इंस्ट्रक्शन जो है नहीं दी जाएगी उस स्कूल्स में जो के गवर्नमेंट के फंड से, स्टेट के फंड से चल रहे होंगे। हाँ, अगर आप अपनी ऐसी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देना चाहते हो तो आप अपनी कम्युनिटी के स्कूल जो है वो खुद से अलग से ओपन करेंगे। तो ये जो था, देखिए मैंने हर पॉइंट जो है वो डिस्कस कर रहा हूँ काफी डिटेल में, ताकि चीजें जो है आपकी रिवाइज हो जाए, कोई भी पॉइंट आपको जो है वो आपका छूटे नहीं, ठीक है, नहीं तो मैं खाली पीडीएफ जो है वो शेयर कर लेता। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो है जेके एसएसबी में जो है वो ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं, बल्कि इस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विच आर द फ्लोइंग कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिशिज द अनटचेबिलिटी। तो दिए गए ऑप्शन में से हमारे पास 4 ऑप्शंस है और पूछा गया है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन
एबॉलिशिज द अनटचेबिलिटी। तो आर्टिकल 18, 14, 15 और 17 है, तो आपका सही आंसर जो होगा वो आर्टिकल 17 होगा। तो सही आंसर क्या होगा? आर्टिकल 17। तो याद रखेंगे आर्टिकल 17 जो होगा एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी होगा, और एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, और अगला जो होता है आर्टिकल 18 जो होता है वो किससे डील करेगा? एबॉलिशन ऑफ टाइटल, जैसे कि महाराजा वराजा, ये जो एबॉलिशन की गई थी इन टाइटल्स की। आर्टिकल 15 तो आपको मैंने बता दिया, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन कास्ट कलर। आर्टिकल 14 जो है ये राइट टू इक्वलिटी में आते हैं। तो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 24 जो है कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में बताया गया है विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो पूछा गया है विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। देखिए राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन जो है इसमें दो आर्टिकल होंगे, एक आर्टिकल 23 होगा, दूसरा आर्टिकल 24 होगा। आर्टिकल 23 जो है वो किससे डील करता है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन द ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, के जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जाती है, फोर्स लेबर जो करवाई जाती है उसकी रोकथाम, कि आप किसी से जो है फोर्स लेबर नहीं करा सकते, जबरदस्ती जो है किसी से कोई काम नहीं करवा सकते, ठीक है। दूसरी जो बात है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स, और बच्चे जो छोटे होते हैं 14 ईयर्स तक होते हैं उनसे जो है आप जो है वो लेबर का काम जो है वो नहीं करवाएंगे, चाइल्ड लेबर को रोकने का काम किया गया था। अब यहाँ पे जो चार स्टेटमेंट है विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। तो सही आंसर क्या होगा? पहला है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर, जैसे कि मैंने बताया, बट आप ये भी याद रखेंगे कि कौन सा आर्टिकल था? आर्टिकल 23 था। क्या था? आर्टिकल 23 था। अच्छा, ये फ्रीडम एज अ पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर द प्रोमोशन ऑफ एनी रिलीजन, तो ये तो हम जानते हैं, ये आर्टिकल 27 में है, ठीक है। फिर अगला जो है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, ये जो हमारे है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है जैसे कि ए होगा। तो अब हमने जो है इसके 25 क्वेश्चन जो है आपके जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं इस वीक्स के, और इससे पहले भी मैंने कुछ क्वेश्चन जो है वो अपलोड किए थे इसी के काफी पहले किए हुए थे। तो इस टॉपिक में अब अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी जो है इशू होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी, तो ज़रूर जो है कमेंट सेक्शन में बताइए, और साथ में ये भी बताइए कि अब जो टॉपिक आप स्टार्ट करना चाहते हैं, जिस पे मल्टीपल चॉइस करना चाहते हैं, तो वो कौन सा टॉपिक है, ठीक है। तो कोई भी आपको डाउट होगा आप हमें ईमेल पे दे सकते हैं, info@homeacademy786@gmail.com पे। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। इस टॉपिक में जितना पढ़ा दिया इससे बाहर जो है क्वेश्चन तो नहीं आएगा, अगर इस टॉपिक में से क्वेश्चन आता है इसी टॉपिक में से आएगा जो हमने थ्योरी पढ़ाई और जो इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ाए। तो जितने भी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उनमें इनसे बाहर जो है क्वेश्चन नहीं आएगा, चाहे वो आप किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आप बाकी जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है उन पे आप जरूर हमारे से ज्वाइन कीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, लिंक और डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में जो है वो पिन कर दिया जाएगा। और ऐसे भी आप सर्च करेंगे होम अकेडमी किसी भी प्लेटफॉर्म पे तो आपको जो है वो मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।